स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस होहेन SDIX गिम्बल की, और जो इसके प्रॉब्लम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा गिम्बल है। मैं ये सेकंड बार इसको रिप्लेस किया हूं, क्योंकि पहले गिम्बल में मेरे दिक्कत आई थी तो मैंने इसको रिप्लेस करके दूसरा मंगाया हुआ, तो इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी, तो सोचा कि आप लोग को भी मैं बताऊँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये आपका बिल है, जो कि ये मुझे पड़ा है 6,990 रुपये का, और इसके साथ इसके यूज़र मैनुअल मिल जाता है, और ये हमारा मेन गिम्बल है, इसको साइड में रखते हैं। और इसके साथ मुझे ये ट्राइपॉड मिलता है छोटा सा, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। और इसके साथ मुझे ये USB टाइप सी केबल मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसको हैंग करने के लिए ये इन्होंने दिया है, स्ट्रैप दिया हुआ है, आप इसको लगा करके आराम से शूट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो गिम्बल है वो गिरे ना। और इसमें क्या मिलता है, और यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल गाइड मिलता है एक, और इसके लिए एक पाउच दिया गया है, जिसमें आप इसको आसानी से रख करके कैरी कर सकते हैं, जिसकी और यहाँ पर होएम की ब्रांडिंग मिल जाती है, और जिसकी क्वालिटी है वो भी डिसेंट है। फिलहाल इन सब चीज़ को रख देते हैं साइड में, अब आते हैं अपने गिम्बल पर। तो दोस्तों इसमें आपको 3 एक्सेस गिम्बल है, पहला यहाँ पर दिया गया है, मोटर का सपोर्ट मिलता है, दूसरा ये आपका मिलता है, और तीसरा यहाँ पर, तो इसलिए इसको 3 एक्सेस गिम्बल कहा गया। तो इसको जल्दी से अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले इसको अनफोल्ड करने के लिए मुझे ये लॉक है, इसको हटाना पड़ेगा, ये हट गया। दूसरा लॉक यहाँ लगता है, इसको ढीला करके इसको हटाना पड़ेगा, ये दूसरा लॉक हो गया। फिर इसको हम टाइट कर देते हैं, और तीसरा लॉक ये है, अगर आप इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। पहले वाले गिम्बल में मुझे दिक्कत आ रही थी, केवल ये फर्स्ट लॉक ही लग रहा था और कोई लॉक काम नहीं कर रहे थे, पहली ये दिक्कत थी पहले गिम्बल में। तो मैंने इसको चेंज किया और उसमें दिक्कत आ रही थी कि वह उसके जो मोड्स थे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, तो दूसरा रीज़न ये मुझे था कि इसको चेंज करने का। फिर मैंने इसको मंगाया है। दोस्तों इसमें लॉक तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये भी वो काम कर रहा है, और आपका दूसरा वाला भी कर रहा है, पर तीसरा वाला इसमें भी काम नहीं कर रहा है, जो कि ये है लॉक, ये भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो कि उसमें भी दिक्कत थी और इसमें भी दिक्कत है। तो ये तो पहली दिक्कत है, इसमें तो लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब चलिए इसमें हम जल्दी से अपना मोबाइल लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। इससे पहले मैं इसका जो स्टैंड है इसको भी इसमें फिट कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों अगर इसके बटन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका पावर बटन मिल जाता है, उसके बगल में ये आपका जो दिया गया है ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए है और वीडियो शूट करने के लिए, और ये आपका ट्रिगर बटन दिया गया है जो कि ठीक ठाक है, और यहाँ पर आपको 3 LED बल्ब दी गई है, जिससे कि आपकी बैटरी लेवल बताता रहेगा कितनी चार्ज है, और उसके बगल में एक और LED दी गई है, जिससे कि आप खुद देख सकते हैं कि ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं, तो ये ब्लिंक करता रहता है। अगर इसमें साइड की बात करें तो यहाँ आपको जूम इन जूम आउट का बटन मिल जाता है, और इसमें ऐसा कोई बटन नहीं दिया है। तो अब इसको हम फटाक से ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने के लिए आपको ये पावर बटन 3 सेकंड तक दबाना होगा, ये ऑन हो जाएगा। तो जो हमारा गिम्बल है वह ऑन हो गया है। दोस्तों अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, आप आराम से इसको अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए होएम का एप्लीकेशन आता है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से जुड़े पेयर करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी मोमेंट्स में, इसमें कई सारे आपको प्री इंस्टॉल सेटअप दिया गया है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये 360 वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा है, और जो मेरा पहला गिम्बल था उसमें यह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन जो इस नए वाले गिम्बल जो मैंने दूसरा मंगाया है तो इसमें पता नहीं क्यों मुझे पीछे जो मोटर इसकी दी गई है वो कैमरे में आ रही है, और जब एंड पर आता है तो ये वाइब्रेट होकर के बंद हो जाता है। मुझे ये दिक्कत इसमें देखने को मिली, जो हमारा पहला गिम्बल था उसमें ये पूरी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी,
और दूसरा दिक्कत मुझे ये देखने को मिल रही थी इसमें कि जब ये इसको यूज़ करते हैं आपका, तो करते आपका यूज़ करते करते ये अपने आप नीचे की ओर बैंड हो जाता है, मतलब कि ये ऑटो डिसकनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे दूसरी दिक्कत इसमें ये देखने को मिल रही थी। और अगर इसके मोड्स में बात करें, इसके प्री इंस्टॉल मोड पैरानोमा मोड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा मोड्स दिया गया है। और ये आपका डॉली जूम, ये भी काफ़ी अच्छा मोड्स दिया गया है। और दूसरा आपका फैंटास्टिक रोटेशन, ये भी काफ़ी अच्छा रोटेशन का मूव दिया गया है। लेकिन मुझे दिक्कत उसी में आई थी, और हमारा जो पहला गिम्बल था उसमें मुझे ये दिक्कत देखने में मिली थी। मैं अभी इसका आपको सैंपल दिखा दूँगा यह कैसे काम करता है। तो इसका आपने स्टेबलाइजेशन और इसके जो मोड्स था वो आपने देख लिया, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से काम करता है। अगर इसके और मोड्स की बात करें, जैसे कि अप और डाउन करने का, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि आपका जो नीचे का बैंड है वो बहुत ही लिमिटेशन में होता है, क्योंकि इस पर पीछे जो मोटर दी गई है उसकी वजह से। और इसको अप करने के लिए अगर कहें तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन इसमें दी गई है। और अगर लेफ़्ट राइट की बात करें तो इसमें आपको 360 तक का मूव हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपका जो अप और डाउन करने का है उसमें बहुत सी लिमिटेशन दी गई है। और अगर इसकी स्पीड को आप इसकी सेटिंग में जा करके कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जो मूवमेंट सेंसर है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में बहुत सारी फीचर्स दी गई हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप इसका एप्लीकेशन उपयोग करेंगे, वरना आप इन सब चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो भी इनके मोड्स दिए गए हैं। इंस्पेक्शन मोड, जॉली मोड और आपका पैरानोमा मोड्स, वो जब आप इसका एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तभी उसको यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों इस गिम्बल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसको आपको अगर पोर्ट्रेट मोड में करना है या लैंडस्केप में करना है, बस आप वन क्लिक से ही कर सकते हैं। ये देखिए, बाकी गिम्बल में मैंने देखा उसको मैनुअल करना पड़ता है, लेकिन इस गिम्बल में बस एक टैप से ही आप पोर्ट्रेट मोड में लगा सकते हैं और लैंडस्केप मोड में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। तो दोस्तों पर्सनली मुझे ये गिम्बल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें लगातार दूसरी बार कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि कैसे इसका जो मोटर है वो वीडियो में सामने आ जाता है, बल्कि दूसरे गिम्बल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस गिम्बल में ये दिक्कत आ रही है। उस गिम्बल में लॉक की दिक्कत थी, इसमें भी लॉक की दिक्कत है, लेकिन केवल एक में, बाकी सब में प्रॉपर वर्क कर रहा है। दूसरा इस गिम्बल में मुझे दिक्कत लगी कि ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे अभी स्टेबल है, स्टेबल होते होते ये अपने आप नीचे डाउन हो जाता है, मतलब कि छोड़ देता है पूरा, ये दिक्कत लगी मुझे, इसको बार बार करना पड़ता था। तो दोस्तों अगर मैं सच बताऊँ तो मैं इस गिम्बल के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू यूट्यूब पर देख करके इसको मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे निराश होना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक कि ये इसकी जो दिक्कतें हैं वो शेयर करूं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल यही था कि मैं जो इसमें दिक्कतें आई हैं मैं आप तक कि वो पहुँचा सकूं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।